الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर बावाज़े बुलंद पढ़ लीजिए सलात व सलाम अलैका सैयदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका सैयदी या हबीब अल्लाह सलात व सलाम अलैका नबी अल्लाह सलात व सलाम अलैका नूर अल्लाह सलात व सलाम अलैका रहमतल्लिल आलमीन। अल्लाह की हम जलवागरी देख रहे हैं, अल्लाह की हम जलवागरी देख रहे हैं, या हुस्नो जमाले मदनी देख रहे हैं। अल्लाह की हम जलवागरी देख रहे हैं, या हुस्नो जमाले मदनी देख रहे हैं। जिस वक्त कहो सल्ले अला आले मोहम्मद तो समझो कि रसूल अरबी देख रहे हैं। जिस वक्त कहो सल्ले अला आले मोहम्मद तो समझो कि रसूल अरबी देख रहे हैं। गिरामी कदर हजरात शकम अक्टूबर बरोज हफ्ता बाद नमाज ईशा दरबार बाबा हैदर साही मोहल्ला रसूलपुरा शर्की चुंगी नंबर 3 वर्न रोड फरुखाबाद में हर साल की तरह इस साल भी हुजूर ताजदार अंबिया के जिक्र की महफिल पाक का इनाकाद अंजुमन बज़्म सरवरे कायनात मोहल्ला रसूलपुरा फरुखाबाद के जेरे एहतमाम इनाकाद पजीर है। और मैं पूरी अंजुमन के एक एक फर्द को मुबारकबाद पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ तमामी भाइयों को अपने को जिन्होंने आज हुजूर के जिक्र की खूबसूरत महफिल का इनाकाद अल्लाह के वली के दर पे सजाने की सआदत मुयसर हुई। किसी किस्म के तारफ के मोहताज नहीं है, मेरा छोटा भाई भी है और बड़ी मोहब्बतें इनकी शामिल हाल साथ रहती हैं। शहजाद साउंड सिस्टम आपकी खिदमात हासिल की गई और पाकिस्तान के तूल अर्ज में किसी किस्म के आप तारफ के मोहताज नहीं। तकरीबन जब से फरुखाबाद में महफिलों का आगाज है तब से ये शख्सियत एक होता है, शख्स वो एक हो जाता है। अगर बंदा हो जाए शख्सियत उसका मियार ये होता है कि शख्स मर जाता है, शख्सियत मरती नहीं है। पैराडाइज मूवी आप खुद एक नाम है और नाम ही आपका काफी है। फरुखाबाद गिरतो नवाब आप अपनी मोहब्बतें मूवी की सूरत में पेश करते हैं। मैं दुआ करता हूँ हुजूर अलैहिस्सलाम के पेट पे बंधे पत्थरों की खैरात अल्लाह साउंड वाले भाई मूवी वाले बाप पैराडाइज मूवी शहजाद साउंड सिस्टम जिन्होंने ये डेकोरेशन की कलीन बिछाए जिन्होंने लाइटें सजाई दुआ गए हुजूर के जिक्र का सदका अल्लाह उनके लंगर में मजीद बरकतें अता फरमाए। नबी पाक के पेट पे बंधे पत्थरों की खैरात हसनैन करीमैन के दस्तरखाने हसी की खैरात अल्लाह इन तमामी अहबाब के लंगर में मजीद बरकतें मजीद वसतें अता फरमाए। आप सभी अहबाब के इलम में है कि आज चूंकि हफ्ता है रबी अव्वल शरीफ का पहला, मैं भाई मोहम्मद जिशान एहसान मोहम्मद एहसान साहब जो कि सदर अबजम के सेक्रेटरी साहब मोहम्मद जाहिद कलंदरी साहब भाई मोहम्मद शाहिद कंबो साहब मोहम्मद अशफाक साहब दीगर जुमला अहबाब एक एक फर्द को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने आज इस खूबसूरत प्रोग्राम का इनाकाद किया। आ चुके आप सभी अहबाब के इलम में है कि हफ्ता रबी अव्वल का पहला और हर बंदे की मसरूफियत है लेकिन अमीन साहब एक ऐसी शख्सियत है किसी बंदे का ताल्लुक 2 साल से किसी का 5 साल से किसी के साथ 10 साल का ताल्लुक होता है। किसी का 2 साल का ताल्लुक किसी का 5 का किसी का 10 का लेकिन मेरी सारी जिंदगी का ताल्लुक अमीन साहब के साथ है। जब से मेरी
मैंने होश संभाल लिया, तब से मेरा इनके साथ अपनी मार्केट लंडा मार्केट के हवाले से इनके साथ मेरा एक ताल्लुक है, एक प्यार है। और इनका जो हुक्म है तकरीबन मुझे 6-7 महीने पहले हो चुका था। आज भी मुल्तान चुंगी पे फ्लैक्सें लगी हैं महफिल के हवाले से, लाहौर में मंसूराबाद का मरकजी प्रोग्राम सलीम कोर्ट पे पैना फ्लैक्स लगी है, लेकिन चूंकि इनके साथ वादा था, सारे मामला थे, इसलिए बंदा नचीज़ हाजिर हो गया है। और मेरी वक्त की भी इनके साथ बात हो गई, इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि अपने वक्त में रहते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम के जिक्र को सजाया जाए। वतन अजीज के दो नामवर शहजादे भाई जिन्होंने पाकिस्तान और इंग्लैंड में यूके के दौरे करके दो मरतबा पूरी दुनिया में हुजूर के जिक्र के डंके को बुलंद किया, आज बज़्मे सरवरे कायनात वालों ने उनका इंतखाब किया। हाशमी बरादरान इंशाल्लाह ताला शहर लाहौर मेरे दाता की नगरी से चंद ही लम्हात के बाद आप तशरीफ लेके आएंगे।